मार्केट में जो तेजी है वो कुछ आगे आने वाले नरमी की अंदेशा है, सही है या गलत है ये हमें बताएंगे अनुराग सिंह जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुराग गुड मॉर्निंग, ये मामला क्या है, यूएस मार्केट किस बात की इतनी खुशी मना रहा है कि बेस्ट परफॉर्मिंग बन गया है वर्ल्ड का? अजय गुड मॉर्निंग। अच्छा एक तो ये अच्छा लगा कि अभी हमारा मार्केट भी एटलीस्ट इंडिया में उम्मीद है कि चलिए ये भी थोड़ा जागेगा। लेकिन अजय इसमें ऐसा हुआ है कि और देखिए सब अंदाजा भी लगा रहे हैं, बट क्योंकि बैंक्स में इतना फियर आ गया था कि लिक्विडिटी क्राइसिस तो है एंड इट क्विकली रेज क्वेश्चन कि देखिए क्रेडिट क्राइसिस भी हो सकता है, तो सम मनी इज कमिंग आउट ऑफ बैंक्स और वो आई एम टॉकिंग स्टॉक मार्केट मनी और वो फिर बिग टेक में जा रहा है। और लार्जली अगर आप नैसडेक को भी देखें अजय, तो ये सिर्फ जो टॉप के हमारे 5-6 स्टॉक्स है ना जो कैश रिच हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वहां पर फ्लाई कर रहा है। अंदेशा ये है कि अगर बैंक्स में क्राइसिस आता भी है तो इफ यू आर विद प्रॉफिटेबल बिग टेक कैश जनरेटिंग कंपनी जिनके ऊपर डेट ही नहीं है तो यू आर वेरी मच सेफर। तो ये थियोरी मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है कि मनी इज चेजिंग, जो मनी मार्केट से बाहर नहीं आ सकता है एंड उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहना है, इट इज ट्राइंग टू गेट इनटू कैश जनरेटिंग प्रॉफिटेबल बिग टेक जीरो डेट कंपनीज जिनको अगर रिसेशन आ भी जाए तो ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। सो यू सी एप्रल माइक्रोसॉफ्ट एंड दीज कंपनीज गूगल इवन नेटफ्लिक्स एनवीडिया दीज आर कमिंग बैक। कुछ इसमें बहुत अंडर वैल्यूड थी, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट आई वुडन्ट से अंडर वैल्यूड हैं बट उनका कैश जनरेशन इतना स्ट्रांग है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अजय कि दिस इज वेयर द मनी इज ट्राइंग टू फाइंड, बट अदरवाइज कोई कोई खास वजह नहीं है अजय। हमें कल पीसी नंबर्स दिखेंगे। एक और अंदेशा है अजय आई थिंक विच वी शुड ऑल्सो डिस्कस विच इज दैट मार्केट थिंक्स दैट अब प्राइस हाइक तकरीबन एंड पर है, सो उसको कि अदरवाइज उसके बिना कोई ऐसी रैली चल नहीं सकती है। सो वन सेक्शन वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स के देखिए चलिए 25 basis points और आ जाएगा, लेकिन तकरीबन अब हम पीक पे पहुंच चुके हैं एंड यू नो दैट मार्केट हैज टू प्राइस इन बिफोर फेड पिवट्स कम्स एंड सेज के देखिए अब हम राइट रेट हाइक्स रोक रहे हैं। सो कुछ वो एक कैलकुलेशन चल रहा है, मैं उसको ज्यादा मानता नहीं हूं अजय क्योंकि ये कैलकुलेशन तो पिछले जुलाई से चल रहा है और कितनी बार गलत प्रूव हुआ है। सो आई डोंट रियली थिंक दी वर्स्ट इज ओवर एक्चुअली। ये बताइए कि यूएस मार्केट में एक 10 साल की रैली के बाद करेक्शन आया था जो बहुत ओवरड्यू भी था, चाहे वो कोविड के बाद भी कुछ खास करेक्शन जारी है अभी है। आप 3200 का इंतजार कर रहे हैं, अभी ये बताइए कि आप थोड़ा अभी ले लें माल और उसके बाद बाजार गिर जाए 10% वो आपको कंफर्टेबल रहेगा, या आप डेटा का वेट करेंगे 10% ऊपर ले लेंगे वो चलेगा, बट व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी आपके हिसाब से? तो 32 का तो नहीं इंतजार करूंगा, आई वुड से माई जोन इज एनी टाइम बिलो 36 to 35 इज अ गुड टाइम टू बाय। देखिए इट विल बी फुलिश टू से कि मैं एकदम बॉटम पकड़ लूंगा बट आई वॉन्ट द राइट प्राइस। अच्छा अगर अजय अगर आप एक चीज और देखें, वेल द बॉन्ड मार्केट इज सेइंग कि रेट्स पिवट होके वापस रिवर्स हो जाएंगे, इक्विटी मार्केट ने अर्निंग्स रिसेशन को प्राइस इन नहीं किया है। अब 3% की ग्रोथ तो 2.6 की तो पिछले क्वार्टर में आई थी, इस क्वार्टर की ग्रोथ लग रहा है जीडीपी की 2% है, तो ये तो कोई रिसेशन जैसा दिख नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली आई थिंक देर विल बी अ डे ऑफ रेकनिंग विच विल कम, बट अभी अगर आप देखें तो डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में रिटेल में काफी सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया है, सो दे आर ट्राइंग टू प्राइस इन द रिसेशन। तो अजय वहां पर कोई भी अगर राइट प्राइस पे मिलता है तो वी कंटिन्यू टू बाय इन, रादर आई थिंक फाइनेंशियल्स में अभी एक झटका और आए आई होप एंड देन वी विल बी बिग बायर्स। इवन कुछ बैंक्स जो मीडियम साइज बैंक्स है अजय, दे आर एट अ वेरी गुड प्राइस एंड दे डोंट हैव एज मच ऑफ क्रेडिट रिस्क, सो वी आर ऑल्सो यू नो ट्राइंग टू एंटर देयर। ऑब्वियसली सारा मार्केट एक साथ में टाइम नहीं किया जा सकता, वी आर कंफर्टेबल अजय एज लॉन्ग एज वी बाय एंड मार्केट कैन फॉल अनदर 10-15% राइट, बट नॉट एट दीज लेवल्स, ये थोड़े ज्यादा है। चलिए तो व्हाटएवर लेवल्स वी बाय द कंफर्ट शुड बी इम्पोर्टेंट। अनुराग आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। भारत में तो हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हैं और डेटा स्पेसिफिक अनुराग ग्लोबल मार्केट्स में और भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आने वाले हैं, पीसीई के डेटा भी हैं, तो इसका आकलन करने के लिए इसके एनालिसिस करने के लिए सोमवार को फिर से हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आप तब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी तरह से ग्लोबल मार्केट्स पर जिस तरह से अपने एनालिसिस हमें दे रहे हैं उस वक्त भी अपनी सारी के सारे अप्रोच हमारे साथ शेयर करेंगे। Have a nice day to you. Thanks for joining with us.